बुंदेलखंड से बड़ी खबर है। टीकमगढ़ में पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर असम पुलिस की 4 सदस्यीय टीम कोतवाली पुलिस के संग पहुंची है। फ्रॉड के एक मामले में जांच करवे पहुंची है पुलिस। ऐसो बताओ जा रहा है यादवेंद्र सिंह और उनके परिजनों से पूछताछ करी जा रही है। कोतवाली प्रभारी बोले कि कोर्ट के आदेश पर जांच करी जा रही है। पुलिस ने फिलहाल यादवेंद्र सिंह के मकान को छावनी बनाओ है। आप देखो जा पूरी खबर। आप लोग बिताम का आईडी कोई भी आईडी पाइए ना, बिताम का आईडी कैसे है? आईडी कहाँ है आपकी? आईडी बताइए, बताइए कौन है? इंस्पेक्टर साहब आए, आइए बताइए आप। आनंद जी आप बताइए, चलो लगा बेटा एक लगा लो। आनंद जी बताइए क्या मामला हुआ है जी, क्या इन्फॉर्म है आपके पास? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। कोर्ट का लेटर है, उस संबंध में आसाम पुलिस आई हुई है, उसमें जाँच की जा रही है। क्या 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 मामला है कोर्ट? अब ये सारी चीज़ें जब वो इनपुट दिया होगा ना आपको, आसाम पुलिस जब आई है तो आपको इनपुट दिया होगा क्या मामला है? हमको इंटीमेशन मिला है, उसमें हम इंटीमेशन में उनके साथ सहयोग के लिए उपस्थित हुए। किसके? पुलिस अधीक्षक के आदेश पर? हम कोर्ट के आदेश पर उपस्थित हुए, न्यायालय के आदेश पर। न्यायालय किस कहाँ? टीकमगढ़ न्यायालय का है, आसाम न्यायालय। तो आपके पास कुछ वहाँ से आया है? हाँ लेटर पहले आया था क्या? ये लोग लेके आए, डॉक्यूमेंटेशन आया है वो पहले आया था क्या? ये लोग जेल से आ जाते हैं पहले भी और डॉक्यूमेंटेशन लेके भी आए। अभी कितने लोगों की टीम आई है? अभी 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। क्या उसमें कोई गिरफ्तारी वारंट है? ऐसा कोई नहीं है, तो पूछताछ के लिए है और सारी चीज़ें फिर जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन टीम डिसाइड करेगी। उसमें कुछ पता नहीं चला क्या मामला है क्या पूरा? नहीं, कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई मामला है और ऐसा कोई नहीं, पूर्व से बहुत पुराने उसमें चला आ रहा है। यादवेंद्र सिंह आरोपी है उसमें? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फ्रॉड से संबंधित है वो इन्वेस्टिगेशन टीम, आपको आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब बता दें।